नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य। आज मैं आपको बताऊंगा आपके शरीर के एक ऐसे आर्गन के बारे में जो आपके शरीर में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसका नाम लीवर है या कृत है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा के बाद, जो आपके पूरे शरीर की क्रिया विधि को कंट्रोल करता है और आपके शरीर में ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है जिससे आपकी शरीर की क्रिया विधि जो है सही से चल पाती है, अन्यथा आपको बहुत सारी समस्याएं होती। तो लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बताते हैं कैसे आप लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, लीवर कौन कौन सा काम करता है, कौन कौन सी होम्योपैथी दवाएं लीवर को स्वस्थ रख सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं जो आपके शरीर में लीवर है, जो 1.5 kg का लगभग 1.5 kg उसका वज़न होता है और आपके एब्डोमन एरिया में यानी पेट एरिया में पाया जाता है। वहीं से जुड़ा हुआ पित्ताशय होता है, लीवर पित्त का निर्माण करता है और वो धीरे धीरे पित्त जा करके पित्ताशय में जमा हो जाता है, यानी आपके गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फिर वहाँ से फैट के पाचन में धीरे धीरे बाइल साल्ट जाता है, बाइल जूस जाता है, जो फैट को पचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपका खाना अच्छे से पचता है, जो आप फैट रूपी भोजन लेते हैं, तेल रूपी भोजन लेते हैं, जो तेल पड़ा होता है उसको पचाने में मदद करता है। तो लीवर का आपके शरीर में बहुत काम है। आपके शरीर में पित्त का निर्माण करता है, एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है, कुछ विटामिन्स विटामिन ए विटामिन के बहुत सारी विटामिन्स को निर्माण करने में मदद करता है, रक्त को साफ करता है, एक बायोकेमिकल फैक्ट्री से लिए कहा जाता है क्योंकि ये अमीनोसिड्स का निर्माण करता है। इसमें कोरी साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल चलती है, आर्थनिन साइकिल चलती है, तमाम प्रकार की साइकिल्स लीवर में चलती हैं। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने वाला लीवर और किडनी दो ऐसे आर्गन हैं जो शरीर के गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर आप कभी जहर गलती से पी लेते हैं या खा लेते हैं या कोई ऐसी पॉइजनस चीज़ें ले लेते हैं तो उसको लीवर डिटॉक्सिफाई करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है और उसको बाहर आपके शरीर के निकाल के फेंक देता है। और इसके साथ साथ ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में इकट्ठा करने का काम करता है वो लीवर करता है, विटामिन्स को स्टोर करने का काम करता है, विटामिन्स के निर्माण में मदद करता है। और जब गर्भावस्था में बच्चा जब छोटा होता है, मां के गर्भ में होता है, तो रक्त बनाने का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बाद में जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो बोन मैरो से यानी रक्त अस्थि मज्जा से अपना ब्लड बनाने लगता है, लेकिन गर्भावस्था में हीमोपोएटिक आर्गन की तरह आपका लीवर काम करता है, बच्चे में ब्लड बनाने का काम करता है। और ब्लड को थक्का जमाने में भी लीवर का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि लीवर दो ऐसे पदार्थ दो ऐसे केमिकल बनाता है जिसे फाइब्रिनोजन या प्रोथाम्बिन कहा जाता है। इसको बनाता है जिससे आपकी रक्त धमनियों से कभी या स्किन से ब्लड कट के बहने लगता है, एक्सीडेंट में बहने लगता है, तो उसको वहाँ पर रोकने का काम यही लीवर से द्वारा बनाए गए पदार्थ के जरिए होता है। तो लीवर को स्वस्थ रखना आपका बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी आप दिन भर में कम से कम गुनगुने पानी पीजिए, कभी भोजन मत लीजिए, और भोजन अगर आप लीजिए तो 6 से 7 बजे तक भोजन ले लीजिए ताकि रात में लीवर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए, साथ साथ आपके शरीर को भी डिटॉक्सिफाई कर पाए। तो आपको लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियों का सहारा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ग्रीन टी वगैरह लेना पड़ेगा जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, और खट्टी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जैसे आंवला जूस हो गया, मौसमी जूस हो गया, संतरा जूस हो गया, नारंगी जूस हो गया, आप इस सब का जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, आपके लीवर को चुस्त और दुरुस्त बनाता है। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं उनको आप खाइए तो आपका लीवर बेस्ट रहेगा। आप नट का इस्तेमाल करिए जिसमें ओमेगा फैटी एसिड 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे बादाम में पाई जाती हैं, अखरोट में पाई जाती हैं, आप उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए तो आपके लीवर को बल मिलेगा। आइए बताते हैं अगर आपका लीवर डिस्टर्बेंस होता है तो बहुत सारी बीमारियां आज के समय में लोगों को हो रही हैं, जैसे फैटी एसिड की समस्या हो रही है, पीलिया हो जा रहे हैं, हेपेटाइटिस भी हो जा रहे हैं, लीवर सिरोसिस हो जा रहे हैं, और तमाम प्रकार की समस्याएं दिन पे दिन लोगों की बढ़ रही हैं। इसका मुख्य वजह है फास्ट फूड ज़्यादा लेना। जो फास्ट फूड है उसको बिल्कुल मत लीजिए, नॉर्मल तेल मसाले वाली चीज़ें खाइए, तेल शुद्ध खाइए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाइए, रिफाइन तेल का सेवन डालडा का सेवन ना करिए, बाहर के बाज़ार की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ना खाइए, इससे लीवर को कष्ट होता है, लीवर अपना परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाता, तो आपका शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता। डिटॉक्सिफाई नहीं होने की वजह से जब लीवर गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसका
पित्त बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपको हार्ट की बीमारी हो जाती है, और जब हार्ट की बीमारी होती तो हार्ट अटैक जैसी समस्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये इससे सारी चीज़ें लीवर से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर आपका लीवर गड़बड़ है तो जो बवासीर होती है मस्से वाली बवासीर हो जाती है, क्योंकि वहीं से एक सिराएँ आती हैं जो एनस रीजन में, गुदा रीजन में ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं, वो अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पाती हैं, और ज़्यादा डिस्टरबेंस पित्त ज़्यादा शरीर में बढ़ जाने की वजह से आपका पूरा शरीर पीला हो जाता है, मेढक की तरह पीला हो जाता है, बरसाती मेढक की तरह पीला हो जाता है, आँखें पीली हो जाती हैं। तो पीलिया का बिगड़ा हुआ रूप हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और पीलिया भी हो जाता है लोगों को, लीवर सिरोसिस भी हो जाती है, और ख़ास रूप से जो व्यक्ति दारू पीता है, शराब पीता है, वो बिना पानी का पीता है, तो इसी लीवर में अब्सेस हो जाते हैं, जिसे फोड़ा कहा जाता है। तो आप कोशिश करिए अल्कोहलिक चीज़ें ना लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, कोशिश करिए फल फ्रूट्स का जूस पीजिए, हरी सब्जियाँ खाइए, तो आपका लीवर बेस्ट रहेगा। तो आइए हम बताते हैं कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं आपके लीवर के लिए। आप अगर स्वस्थ हैं तब भी उसे प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तब भी आप उसे ले सकते हैं। तो ये है सबसे पहली दवा कार्डुअस मैराइनस, ये होम्योपैथ की सबसे बेस्ट दवा है लीवर के लिए। ये मदर टिंचर फार्म में है, जिसका नाम है कार्डुअस मैराइनस क्यू, यानी मदर टिंचर। ये पेट संबंधी प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा रोल अदा करती है, पीलिया में भी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। जब किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, लीवर सिरोसिस हो जाए या पीलिया हो जाए या लीवर फैटी हो जाए, उस केस में अगर लीवर में दर्द होता है तो लीवर में दर्द होने पर आप इसका 20-20 बूंद 3 से 4 बार अगर देते हैं तो लीवर में दर्द में पूरी तरीके से आराम मिलता है, पीलिया में पूरी तरीके से आराम मिलता है। तो इस दवा का नाम है कार्डुअस मैराइनस क्यू, ये एक मदर टिंचर है, होम्योपैथ में SBL कंपनी का मिल जाएगा, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दवा आती है जिसको सियोनोथस या चियोनोथस कहा जाता है, चियोनोथस क्यू। ये ऐसी एक दवा जो पीलिया में भी काम आती है, अगर किसी के पित्ताशय में दर्द हो रहा हो तो पित्ताशय के दर्द में भी, गाल ब्लैडर के पेन में भी बहुत बढ़िया काम करती है, गाल ब्लैडर स्टोन में भी बहुत बढ़िया काम करती है, भूख को सुधारती है, भूख को उत्तेजित करती है, आपके भूख को एपिटाइजर के तौर पर भूख बढ़ाने का काम करती है। तो ये है चियोनोथस, बहुत अच्छी दवा है, इसको भी आपको 20-20 बूंद दवा 2 से 3 टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आती है तीसरी दवा चिलेडोनियम मेजस क्यू, चिलेडोनियम मेजस क्यू, ये भी SBL कंपनी का, नेशनल कंपनी, किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। ये दवा लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन का करने में मदद करती है, यानी लीवर अगर आपका गड़बड़ हो गया है, लीवर में कचरा जमा हो गया, शरीर में कचरा जमा हो गया, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो चिलेडोनियम पीलिया में भी काम करता है, यकृत के तमाम जटिलताओं में भी काम करता है, सबसे खास बात लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। लीवर एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है, बहुत सारे केमिकल्स का निर्माण करती है, उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे भी लीवर को स्वस्थ रखने के लिए चिलेडोनियम मदर टिंचर 20-20 बूंद 2 से 3 टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से पानी में आप लेकर के खाली पेट इस्तेमाल करिए होम्योपैथ दवा को, तो बेहतर काम करती है। जो चौथी दवा है जिसको कालमेघ बोला जाता है, हमारे पास कालमेघ का ड्राप है, लेकिन कालमेघ का मदर टिंचर भी आता है, कालमेघ का पौधा भी हमारे घर लगा हुआ है, आपको भी मिल जाएगा बहुत से जगहों पर, आप उसका काढ़ा भी ले सकते हैं, वो रही आयुर्वेद की बात, लेकिन कालमेघ का मदर टिंचर भी बहुत अच्छा होता है, ये भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, लीवर को हेल्दी रखने में बहुत बढ़िया काम करता है, लीवर को सुरक्षित रखता है। तो कालमेघ भी आपके लिए थोड़ा गर्म प्रवृत्ति का होता है, तो उसका मदर टिंचर आप 15-15 बूंद या 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं, जैसा आपकी समस्या हो, जैसा आपका रोग हो, एक अच्छे फिजिशियन, एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर की मदद से आप ले सकते हैं। इसके अलावा है चिरैता, ये बुखार की भी दवा है, लेकिन इत्तेफाक से ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छी दवा है चिरैता, ये भी लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में काम करती है, हिपैटो प्रोटेक्टिव होती है, आपकी लीवर की कोशिकाओं को मजबूत बनाती है, लीवर को मजबूत बनाती है, और हिपैटो स्टिमुलेंट भी है, और लीवर को उत्तेजित करने के लिए भी काम करती है। अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं अगर पित्त का निर्माण कम हो रहा है तो पित्त के निर्माण को बढ़ाती है और लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत अच्छा मदद करती है। पित्त का निर्माण अगर कम होता है आपके शरीर में तब भी समस्या होती है, और ज़्यादा हो जाता है तब तो पीलिया हो जाता है और तमाम बीमारियां हो जाती हैं। ये उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करता है,
हिपैटोप्रोटेक्टिव है, लीवर को में मदद करता है, लीवर को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। तो ये है चिरैता। इसके अलावा बोहराबिया डिफ्यूजा, जिसको गदह पुन्ना कहा जाता है, पुनर्नवा कहा जाता है, इसका भी मदर टिंचर आता है। ये भी लीवर और किडनी की बीमारी में बहुत अच्छा मदद करता है। इसको भी आपको 20-20 बूंद पीलिया में भी आप ले सकते हैं, और किडनी की कहीं बीमारी हो या पीलिया की वजह से पूरे शरीर में सोत हो और कहीं पे अगर ब्लड नहीं बन पा रहा हो, पूरे शरीर में सूजन हो, तब भी आप बोहराबिया डिफ्यूजा, जिसे गदह पुन्ना कहा जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथी दवाएं हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो 9151668336 वाले नंबर पे आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं। किसी दवा का सलाह लेना हो तब भी आप फ़ोन कर सकते हैं, किसी बीमारी के वजह में सलाह लेनी तब भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम होम्योपैथ, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों का ज्ञान आप तक पहुंचा सकें, आपको स्वस्थ रख सकें। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।